दोस्तों, आपने साल 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम तो देखी ही होगी, जो एक लव स्टोरी थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स पर थी जो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर होते हैं, उसे एक साजिश में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका दूसरे व्यक्ति से विवाह करने वाली है, तो वह अपनी प्रेमिका की हत्या करने का प्रण लेता है। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी और साथ ही इस फिल्म में जितने भी कलाकारों ने काम किया था, उन सभी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया था। लेकिन दोस्तों, आज हम इस फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि इस फिल्म के कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर हैं कृष्ण कुमार। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुंदर सहगल का किरदार अभिनेता कृष्ण कुमार ने निभाया था, जो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर होते हैं और उसे एक गलत इल्जाम में जेल पहुंचा दिया जाता है। अगर उनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में बात करें, तो उनकी पत्नी का नाम तान्या सिंह है, जिनसे उन्होंने कुछ साल पहले ही शादी की है और आज तक ये दोनों साथ हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी एक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने आजा मेरी जान, धड़कन और द जीनियस ऑफ ब्यूटी जैसी फिल्मों में एक सहायक अभिनेत्री के तौर पर काम किया है। नंबर 4 पर हैं शक्ति कपूर। जेलर जालिम सिंह का किरदार अभिनेता शक्ति कपूर ने इस फिल्म में निभाया था, जो स्वभाव से काफी गुस्सैल होता है। इस किरदार को उन्होंने काफी अच्छे से निभाया था। अब अगर शक्ति कपूर की रियल लाइफ पत्नी के बारे में बात करें, तो उनकी पत्नी का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जिनसे इन्होंने साल 1982 में शादी की थी और ये दोनों आज भी साथ हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें बेटी का नाम श्रद्धा कपूर और बेटे का नाम सिद्धार्थ कपूर है। आपको बता दें कि इनकी पत्नी भी एक अभिनेत्री ही हैं, जिन्होंने किस्मत, साजन बिना सुहागन और विधाता जैसी कई फिल्मों में काम किया है। नंबर 3 पर हैं किरण कुमार। अभिनेता किरण कुमार ने इस फिल्म में जेलर राम प्रसाद का किरदार निभाया था, जो स्वभाव से काफी अच्छा होता है और इस किरदार को उन्होंने काफी अच्छे से निभाया था। इनकी रियल लाइफ पत्नी का नाम सुषमा वर्मा है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी और आज इनके 3 बच्चे हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी पेशे से एक स्टाइलिस्ट हैं। नंबर 2 पर हैं अरुणा ईरानी। मिसेस अरुणा सक्सेना का किरदार अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने निभाया था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इनके रियल लाइफ पति का नाम संदेश कोहली है, जिनसे इन्होंने साल 1990 में शादी की थी और आज इनकी शादी को पूरे 20 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इनके पति पेशे से डायरेक्टर हैं, जिन्होंने फूल और कांटे, सुहाग और जुल्मी जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया है। नंबर 1 पर हैं शिल्पा शिरोडकर। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री ममता का किरदार अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने निभाया था, जो सुंदर की प्रेमिका होती हैं और उसे जबरदस्ती किसी और से शादी करनी पड़ती है। अब अगर इनके रियल लाइफ पति के बारे में बात करें, तो इनके पति का नाम अपरेश रंजीत है, जिनसे इन्होंने साल 2000 में लंदन में शादी की थी और आज इनकी एक बेटी भी है, जिनका नाम अनुष्का है। आपको बता दें कि इनके पति लंदन के एक मर्चेंट बैंकर हैं और अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में से किस कलाकार के रियल लाइफ पार्टनर के साथ उनकी जोड़ी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।